देवास के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दिशा निर्देशों का पालन कर सम्पन्न कराया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 2022 मतपत्र और मतपेटी द्वारा करवाया जाएगा। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधित घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संभावित ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर संपादित हो रहे हैं, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार प्रसार के लिए सभा, रैली, जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व समक्ष अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ऐप पर बनाया गया है। इस ऐप से नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के 18, जनपद पंचायत सदस्य के 138, सरपंच के 496, पंच के 7,995 पद निर्वाचन कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार देवास जिले में 2 चरणों में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण में बागली, कनौत तथा खातेगांव विकासखंड में 25 जून तथा द्वितीय चरण में देवास, सोनकच और टोंक खुर्द में 1 जुलाई को कराए जाएंगे। पहले चरण में 10 जिला पंचायत सदस्य, 73 जनपद पंचायत सदस्य, 275 सरपंच, 4,380 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। दूसरे चरण में 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच पद तथा 3,615 पंच पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए आज आचार संहिता की घोषणा हुई है। आज चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है। इसमें आदर्श आचार संहिता के सभी नियमों का उल्लेख किया गया है। हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि ये पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे कि शब्द से पूरी आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करवाया जाए, और इसमें यदि कहीं पे कोई व्यवधान कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरू से ही हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अवैध शराब, अवैध कैश या ऐसी सभी तमाम वस्तुएं जिनके कारण किसी भी तरह से हम मतदाताओं को प्रलोभित कर देते हैं लोग, या फिर मतदाताओं के ऊपर निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने में कोई दिक्कत आती है, तो उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो बदमाश हैं, जिनके ऊपर पहले केसेज रजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, चुनावी केसेज हैं, उन सब के ऊपर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। देखिए, आज ही से हम लोग सभी बॉर्डर्स पर, सभी थाना क्षेत्रों में कड़ी वाहन चेकिंग लगाएंगे। इस वाहन चेकिंग के दौरान उन सभी चीज़ों की चेकिंग की जाएगी जिसके कारण स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में किसी तरह का कोई विघ्न हो सकता है, और कड़ी चेकिंग के बाद यदि कोई इस तरह की वस्तुएं मिलती तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक ये मैसेज भी रहे और सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके। थैंक यू। सो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय आम निर्वाचन पंचायतों के जो हैं उसका कार्यक्रम आज घोषित किया है। जैसे ही निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होती है, संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावशील हो गई है। जो देवास जिले का कार्यक्रम है वो प्रथम और द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। पूरे राज्य का 3 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का जो चुनाव है उसमें 3 विकासखंड हमारे सम्मिलित हैं, बागली, कन्नौज और खातेगांव, और जो द्वितीय चरण है उसमें देवास, टोंक खुर्द और सोनकच सम्मिलित है। जो अभी कार्यक्रम आया है उस पर 30 तारीख से नाम निर्देशन पत्र हम प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे, और 1 सप्ताह तक 6 जून तक हम नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख है। दिनांक 7 तारीख को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 10 तारीख को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है। उसके पश्चात 10 तारीख को ही हम अभ्यर्थियों की जो सूची है वो फाइनल होगी, प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा, और दिनांक 25/6 को पहले चरण के मतदान होंगे और दिनांक 1/7 को दूसरे चरण के मतदान देवास जिले में संपन्न कराए जाएंगे। कितने मतदाता हैं सर, संख्या और जो मतदान जो पूरे देवास जिले में जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 8,03,000 के आसपास मतदाता संख्या है हमारी, और कुल 18 जिला पंचायत सदस्य के पद हैं, 138 जनपद सदस्य के पद हैं, 496 सरपंच के पद हैं और पंचों के 7,995 पद हैं। इस प्रकार कुल
1498 मतदान केंद्रों में 8,03,817 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि पंचायत के आम निर्वाचन जो हैं निर्विघ्न तरीके से और बहुत अच्छे से संचालित होंगे और इसमें सभी का सहयोग हमको प्राप्त होगा। सेंसिटिव मतदान केंद्र को लेकर क्या विशेष कोई व्यवस्था की जाएगी? हर बार की जाती है, हर बार जिस तरह से व्यवस्था की जाती है वो इस बार भी की जाएगी। ऑलरेडी जिले में जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी सूची पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा बना ली गई है और उन पे जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं लगती हैं, अतिरिक्त कर्मचारी लगता है या कि वेब कैमरा इत्यादि जो लगता है, वो सारा व्यवस्था हम करेंगे। ठीक, थैंक यू। देवास अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।